और अब आपको बड़ी खबर भिलाई से बता दें, स्वाइन फ्लू का कहर यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से चौथी मौत हुई है। मरीज का शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, 13 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। CHMO ने अब ऐसे में एडवाइजरी जारी की है कि स्वाइन फ्लू की यदि आप में लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि अब स्वाइन फ्लू लगातार खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है भिलाई में, क्योंकि भिलाई में अब तक स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 मरीज अब भी इलाजरत है। भिलाई अपमाना ले चलखंड, जहां स्वाइन फ्लू ने आज चौथा मौत के मामला हुआ था। वह मरीज के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में इलाज चलत रही सा, वह इलाज के बेरा हुआ दम तोड़ दिस। 13 मरीज की अभी भी इलाज चलत हुआ, यानी कि 13 एक्टिव मरीज हरे, और CMHO हा एडवाइजरी जारी कर दिया है। स्वाइन फ्लू के लक्षण ला अनदेखा नहीं करे, ये बात वहाँ कही सा है। तब भिलाई में स्वाइन फ्लू के भारत मरीज चिंता के विषय है। स्वास्थ्य विभाग घलो अलर्ट मोड में आ चुके हैं, लेकिन लोकन मन ला अब ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहे की जरूरत हा है। खबर की 13 एक्टिव मरीज अभी भी है। और इस खबर में ज्यादा जानकारी बार हमारे सहयोगी कोमल धनेश्वर भिलाई ले लाइव हमारे संग जुड़ चुके हैं। कोमल, आप मले समझना चाहते हैं खबर की लगातार मरीज बढ़त जाते हो, बड़ा मामला यह कि चौथा मौत घलो हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग का तैयारी करे था आगे अब? जी, आपको बता दूं कि स्वाइन फ्लू के जिले में जो 23 मामले आए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और जिन 4 लोगों की मौत हुई उसमें एक कुम्हारी में, बाकी जो 3 मौतें हैं वो भिलाई शहर में हुई है। कल एक व्यक्ति की मौत हुई जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, और चौहान ग्रीन वैली का रहने वाला था वो। और आपको बता दूं कि स्वाइन फ्लू एक बहुत ज्यादा, इसमें लक्षण नहीं होते, सर्दी खांसी गले में खराश बुखार जैसे मामूली लक्षण होते हैं, तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो काफी बढ़ जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्वाइन फ्लू है। अक्सर जो छोटी मोटी बीमारियों में लोगों की जो आदत है मेडिकल स्टोर से दवाई लेते थे खाने की, वो कई बार भारी पड़ जाती है। तो जो एडवाइजरी जारी हुई है जिला CMHO की ओर से, तो उसमें जिस तरीके से बताया गया है कि आप जिन लक्षण है, अगर सर्दी खांसी होती है तो तत्काल जिला अस्पताल या आसपास में नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर बता दें, इसकी जांच कराएं, ताकि आपको तसल्ली हो सके कि ये स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल वायरल फीवर है या वायरल नॉर्मल है। तो जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की अगर हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, तो यहाँ पर जो कचांदे मेडिकल कॉलेज है, सिंधु राजे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर 2 वार्ड बनाए गए हैं 30-30 बिस्तर पे, जिसमें एक क्रिटिकल मरीजों के लिए है और एक जो आइसोलेट मरीज है जिनमें कम लक्षण है उनको रखने के लिए रखा गया है। साथ में जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित रखे गए हैं स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए। उसके साथ में सभी निजी अस्पतालों में, नर्सिंग होम में भी एडवाइजरी दी गई है कि अगर स्वाइन फ्लू के मरीज आते हैं तो उन्हें अलग रखने की उन्हें व्यवस्था रखनी है। उनके हॉस्पिटल के बेड की संख्या के आधार पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए भी उनको बेड आरक्षित रखना है। बिल्कुल कोमल, जिसन की आप मन जानकारी देते, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लोगन मन घलो अलर्ट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आगे काबर मरीज बढ़ जाते।